बोलता है कि नहीं 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 ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बड़े लोग करते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पिटाई करने दूंगा। और फिर बेन बोलता है कि प्लीज एक चांस दे दो वो तो, और मेरा एप्पल भी ले लो। और उसके मुंह में तो पहले ही पानी आ रहा था बेन के एप्पल को देख के। वो देखता है और क्या करता है कि अपना उसको एप्पल को ले लेता है और उसे अपना ब्रश दे देता है, ये लो ब्रश करो लेकिन देखो ठीक से करना, बहुत अच्छे से करना, ये बच्चों का खेल नहीं है। और फिर धीरे 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 वहाँ पे और बच्चे आते जाते हैं और वो लोग बारी बारी से पुताई करते रहते हैं और उसके पास एक बहुत खजाना हो जाता है सब खिलौनों का। एक पुताई करने के लिए उसके जितने फ्रेंड्स होते हैं वो आते हैं और उसे एक एक चांस मांगते हैं, प्लीज गिव मी अ चांस। तो सब सबको वो एक एक चांस देता है और वो अपने खिलौने खिलौने जो बच्चों का खजाना होता है वो अपने खिलौने भी उन्हें देते जाते हैं और वो इंजॉय करता है खिलौने और बच्चे इंजॉय करते हैं वाइट वॉशिंग। अब ऐसा करते करते टॉम के पास देखो कौन कौन सी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, कौन कौन सी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। टॉम सोल्ड द चांस ऑफ वाइट वॉशिंग टू बिली फिशर। बिली फिशर से उसे काइट मिली, जॉनी मिलर से उसे एक चूहा मिला, चूहा मरा हुआ जिसे बच्चे लोग खेल रहे थे, मरा हुआ चूहा था, उसे धागे में बांधकर वो लटकाकर खेल रहे थे। एक टिन का शोल्डर मिला, डब्बा कोई टिन शोल्डर, अ कपल ऑफ टेडपोल्स, मेंढक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी मिला, सिक्स फ्रायर क्रैकर्स और उसे छह पटाखे भी मिले, अ किटन विद ओनली वन आई, एक बिल्ली का बच्चा भी मिला लेकिन सिर्फ एक ही आंख थी, उसकी दोनों आंख नहीं थी, अ ब्रास डोर नॉब, एक दरवाजे का हैंडल भी मिला, और क्या मिला, एक कुत्ते का कॉलर भी मिला, डॉग का कॉलर भी मिला लेकिन उस बेचारे को डॉग नहीं मिला, डॉग का कॉलर मिला, अ हैंडल ऑफ अ नाइफ और एक चाकू का हत्था भी मिला, अ पीस ऑफ ऑरेंज पील और फोर पीसेज ऑफ ऑरेंज पील, संतरे के चार टुकड़े भी मिले, एंड अ डिलेपिटेटेड ओल्ड विंडो फ्रेम, और एक खिड़की का पुराना फ्रेम भी मिला, बहुत पुराना हो गया था, जंग लग गई थी वो। तो मतलब इतनी सारी चीजें उसे अपने उस काम के लिए मिले जो उसे करना नहीं चाहता था, ठीक है, जो काम वो करना नहीं चाहता था उस काम को उसने सोल्ड किया, बेच दिया, ट्रेडिंग कर ली। तो ऐसे दिमाग लगाते हैं बच्चे जब जब कोई काम पसंद ना हो। तो टॉम जो है ऐसे ही दिमाग लगाता था और बहुत सारे काम वो ऐसे ही चुटकी बजाते कर डालता था और उसकी आंटी पॉली बहुत परेशान रहती थी। तो आपको भी नेक्स्ट टाइम जब कोई काम पसंद ना आए और उसे करना जरूरी हो तो आप जरूर ऐसा ही कोई टॉम जैसा ट्रिक लगाइएगा और आप गूगल पे बुक सर्च कीजिएगा द एडवेंचर्स ऑफ टॉम स्वेयर, ठीक है, टॉम स्वेयर के एडवेंचर्स, वो कौन कौन से एडवेंचर करता था, और आपको ऐसे ही टॉम की बहुत सारे एडवेंचरस कहानियां मिलेंगी जिनको आप ग्रैब कर सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड मीनिंग। हियर इज योर वर्ड मीनिंग अकर्ड इन योर लेसन। आपके लेसन में देखिए इतने सारे वर्ड्स मीनिंग हैं। इम्प्लॉय, इम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन हु इज पेड टू वर्क, एक ऐसा व्यक्ति जिसे काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, यानी कि हिंदी में कहते हैं उसे कर्मचारी। ग्लोरियस, ग्लोरियस मीन्स होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रेज्ड। ओके, चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस मीन्स होता हैप्पीनेस यानी खुशी। स्प्रिंग इन एवरी स्टेप यानी कि खुशी, हर स्टेप में हर कदम में लोग जंप करें, खुशी खुशी चलें। वेजिटेशन यानी पौधे, प्लांट्स, जिन पौधों को हरे भरे खेतों में हम देखते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेजिटेशन। सर्वे, सर्वे यानी सर्वेक्षण, किसी चीज को बहुत कीनली और बहुत केयरफुली ध्यान से देखना। ग्लैड मीन्स यू नो हैप्पी। यार्ड, यार्ड इज अ मेजरमेंट ऑफ 3 फीट, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, 3 फीट का 1 यार्ड होता है। प्लैंक मीन्स होता है लॉन्ग नैरो वुडन बोर्ड, यानी कि किसी दरवाजे के किनारे जो चौड़े चौड़े लकड़ी के तख्त लगे होते हैं उसे हम बोलते हैं प्लैंक। अगला है स्किप, स्किप मीन्स होता है उछलना। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मीन्स होता है एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजिंग यानी किसी चीज का व्यापार करना, ट्रेड करना, लेन देन करना। जब आप दुकान जाते हैं तो ट्रेडिंग करते हैं, आप उन्हें पैसे देते हैं और उनसे सामान लेते हैं, तो दुकानदार जो है वो ट्रेडर है, वो ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट है सोर, सोर मीन्स होता है चोट या वाउंड। नेक्स्ट वन इज फ्लाई, फ्लाई के यहाँ पर जो आपके पार्ट में दिया हुआ है फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, लेकिन इस पार्ट में
बताया है कि टॉम एक ही मिनट में फ्लाई हो गया, यानी बहुत तेज दौड़कर वो भाग गया। यहाँ पे फ्लाई का मतलब है रन वेरी फास्ट। नेक्स्ट है लैक ऑफ। लैक ऑफ मीन्स होता है कमी, अ स्टेट ऑफ नॉट हैविंग समथिंग, किसी चीज की कमी होना ना होना। जैसे कभी कभी पानी की कमी हो जाती है या अनाज की कमी हो जाती है, तो बोलते हैं देयर इज अ लैक ऑफ वाटर, देयर इज अ लैक ऑफ फूड ग्रेन। दिस इज द मीनिंग ऑफ लैक ऑफ। नेक्स्ट एंड लास्ट मीनिंग इज डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड मीन्स इन अ बैड कंडीशन, कोई चीज बहुत ही बैड कंडीशन में हो, पुरानी हो गई हो, तो बोलते हैं डिलैपिडेटेड। नेक्स्ट, योर नेक्स्ट स्लाइड इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। यू नो सभी लेसन को पढ़ने के बाद जब हम कुछ प्रश्न निकालते हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा। अभी तो मैंने आपको उत्तर निकाला है, जब आप कोई कहानी पढ़ें तो उस कहानी में से आप प्रश्न भी निकालें, क्वेश्चंस भी निकालें, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को शेयर करें वो क्वेश्चन, आपके फ्रेंड जो है वो आंसर निकालें। तो इस कहानी को जो आपने सुना, स्टोरी को टॉम की, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द टाउन, उस शहर का क्या नाम था जहां पर टॉम रहता था। तो टॉम कहाँ रहता था, कार्डिफ हिल में विद हिज आंट पॉली। द नेम ऑफ द टाउन वॉज कार्डिफ हिल। व्हाट वॉज द वर्क अलॉटेड टू टॉम, टॉम को कौन सा वर्क दिया गया था, कौन सा काम दिया गया था। टॉम वॉज अलॉटेड द वर्क ऑफ वाइट वॉशिंग, उसे वाइट वॉशिंग का काम दिया गया था। वेयर वॉज जिम गोइंग, जिम कहाँ जा रहा था। आपने कहानी में सुना जिम जो है वो पानी लेने जा रहा था। जिम वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप। हु वर टॉम्स फ्रेंड, टॉम के दोस्त कौन कौन थे। टॉम के दोस्त थे जिम, बेन, बिली फिशर एंड जॉनी मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अट्रैक्टेड जिम। जिम को किस चीज का लालच आ गया कि वो पेंटिंग करने लगा। तो जिम वॉज अट्रैक्टेड बाई अ मार्बल। टॉम ने कहा था मेरा मार्बल भी ले लो और मैं तुम्हें मार्बल दूंगा और अपने पैरों की चोट भी खोल कर दिखाऊंगा। तो जिम बेचारा छोटा बच्चा ही था, इंसान ही था, तो उसे उसका लालच आ गया, तो उसे मार्बल का, जिम वॉज अट्रैक्टेड बाई अ मार्बल। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स कलेक्टेड बाई टॉम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। टॉम को उसके फ्रेंड से क्या क्या सामान मिला उस ट्रेडिंग के पेंटिंग के लिए, कि मुझे पेंटिंग करने दो मैं आपको अपने सामान दूंगा। तो उसे तो बहुत सारे सामान मिले थे, तो आपको 5 चीजों की लिस्ट बनानी है। तो वो 5 चीजें कौन कौन सी थी। अ काइट, एक पतंग मिली थी उसे। अ पार्ट ऑफ अ हार्प, एक हार्प का टुकड़ा मिला था। हार्प मीन्स होता है वीणा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने का। तो उसका वीणा तो नहीं मिली थी उसे, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं मिला था, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का टुकड़ा मिल गया था। अ पीस ऑफ ब्लू बॉटल, एक नीले कलर की बॉटल का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा मिल गया था जिसे आर पार वो देख सकता था। और क्या मिला था, अ किटन विथ ओनली वन आई, सिर्फ एक आंख वाली बिल्ली उसे मिली थी, बिल्ली का बच्चा मिला था उसे। और क्या मिला था, अ हैंडल ऑफ अ नाइफ, चाकू तो नहीं लेकिन चाकू का हैंडल भी उसे जरूर मिल गया था। आगे देखते हैं, राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका टॉपिक है राइट और रॉन्ग, आपको डिस्क्राइब करना है। टॉम वॉन्टेड टू वाइट वॉश द वॉल। अब आप यहाँ पे प्रश्न है कुछ, आप चाहे तो चैट बॉक्स में यस या नो शेयर कर सकते हैं, चाहे तो चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे मैं प्रश्न पढ़ूंगी, आपने जो कहानी सुनी उस कहानी में से आपको क्या लगता है सही है या गलत है। टॉम वॉन्टेड टू वाइट वॉश द वॉल, टॉम वाइट वॉशिंग या पुताई को करना चाहता था। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉन्टेड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स। टॉम वॉन्टेड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, टॉम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहता था। जिम हेल्प हिम टू वाइट वॉश द वॉल, जिम ने वाइट वॉशिंग करने में मदद की या नहीं की, आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए येस और नो, वाई और एन। जिम एट द एप्पल, जिम ने एप्पल खाया। एप्पल किसने खाया, आप सोचिए, जिम ने खाया कि टॉम ने खाया। बिली फिशर हैड अ काइट, बिली फिशर के पास एक काइट थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेन हैड अ सोर टो, बेन के पैर में चोट लगी थी। किसके पैर में चोट लगी थी, बेन के या टॉम के। द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश। अब इतनी सारी वाइट वॉशिंग हुई, इतनी सारी वाइट वॉशिंग हुई कि अब आपको यहाँ पता चलेगा कि टॉम की चाची ने तो कहा था एक बार करने के लिए,
लेकिन टॉम के फ्रेंड्स ने इसे इंजॉय करते करते 3 कोर्ट तक कर डाला। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है द फेंस हैड 3 कोर्ट्स ऑफ वाइट वॉश, दीवार के 3 कोर्ट पुताई हो चुकी थी। तो ये क्वेश्चन है, अब आप मिलाइएगा अपने चैट बॉक्स से कि आपने जो आंसर्स दिए हैं वो सही है या गलत। तो आपका आंसर नंबर 1 इज रॉन्ग, 2nd 1 इज राइट, 3rd 1 राइट, 4th 1 जिम एट द एप्पल, जिम ने एप्पल नहीं खाया था, टॉम ने खाया था। बिली फिशर हैड अ काइट, बिली फिशर के पास काइट थी, सही है, बिली फिशर ने उसे काइट दिया था और टॉम ने उसे पुताई करने का काम दिया था। फिर बेन हैड अ सोर टो, बेन के पैर में चोट लगी थी, नो बेन के पैर में चोट नहीं लगी थी, टॉम के पैर में चोट लगी थी। और आखिर में बताया जा रहा है द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश, उस फेंस के उस दीवार के 3-3 कोटिंग हो गई थी, 1 कोट करने के लिए कहा गया था, लेकिन खुशी खुशी से जब काम किया बच्चों ने तो उसे 3 कोट कर डाला था पुताई। ठीक, अब आगे देखिए, एक वर्ड पजल है, आपको एक वर्ड पजल आपकी बुक में दिख रहा होगा, वर्ड पजल है, उस पजल को आपको इंजॉय करना है, खेलना है, वर्ड्स लेटर्स के साथ खेलना है। आपको दिए गए हैं लेटर्स, कितने लेटर्स के आंसर्स होंगे और उन आंसर्स को आपको फिल करना है आपकी बुक में जो पजल दिया हुआ है उसमें। तो फर्स्ट कह रहा है यंग वन ऑफ अ फ्रॉग, फ्रॉग के बच्चे को, यंग वन को क्या कहते हैं, 7 लेटर्स का है आंसर, सो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, द आंसर इज टेड पोल, फ्रॉग के बच्चे को टेड पोल कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज यू कैन सी थ्रू इट, आप इसके आर पार देख सकते हैं, आर पार किसके देख सकते हैं, आप किसके आर पार देख सकते हैं, जब आंखों पे हम चश्मा लगाते हैं तो वो किसका बने होता है, ग्लास का बने होता है। तो आंसर बोल रहा है 5 लेटर्स का होगा, तो ग्लास में देखिए 5 स्पेलिंग्स हैं, GLASS, ग्लास। नेक्स्ट वन, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम बताना है, एंड दैट इज हार्प, इट वॉज अ डेड, अब टॉम को वाइट वॉशिंग के लिए एक चूहा भी मिला था मरा हुआ, जिसे उसके दोस्तों ने रस्सी से बांध दिया था, तो वो डेड था, मरा हुआ था, तो आंसर होगा 3 लेटर्स का रैट, नॉट द ऑरेंजेस बट द, ऑरेंज तो नहीं मिला लेकिन ऑरेंज के टुकड़े मिले, पील मिले, पील यानी ऑरेंज के टुकड़े। और विंडो, विंडो के साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा 5 लेटर्स का, विंडो फ्रेम, इट वॉज अ टिन, टिन का क्या था, शोल्डर मिला था। आगे सम डॉग्स हैव इट, कुछ कुत्तों के गले में बंधा होता है, सभी के में बंधा नहीं होता है, कुछ में होता है, 6 लेटर्स का क्या है आंसर, कॉलर, जो पेट डॉग्स होते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके गले में कॉलर बंधे होता है। आगे क्वेश्चन है लास्ट, ही गॉट 12 ऑफ इट, उसे 12 मिल गए थे, 12 क्या मिले थे, वो तो जिम को बेन को एक ही देने वाला था लेकिन उसे मिल गए 12, क्या मिले, मार्बल, टॉम को 12 मार्बल्स मिल गए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग, आपकी बुक में दिया है मैचिंग, वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके ऑपोजिट्स दिए हुए हैं, उन वर्ड को उनके ऑपोजिट से मैचिंग करना है। तो लाइक मीन्स क्या होता है और उसका ऑपोजिट क्या होगा आपको डिसाइड करना है, तो मैंने आंसर की एक सीरीज बना दी है, आप समझ लीजिए ध्यान से, लाइक मीन्स होता है पसंद करना, डिसलाइक मीन्स होता है ना पसंद करना, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, सॉरो मीन्स होता है दुख या सैडनेस, रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, एंड फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, नोटिस मीन्स होता है ध्यान देना, नेग्लेक्ट मीन्स होता है ध्यान ना देना, किसी के ऊपर ध्यान ना देना, ये मीन्स नेग्लेक्ट, केयरफुल मीन्स होता है बहुत ही ध्यान से किसी काम को करना, और केयरलेस मीन्स होता है असावधानी से, ओके, केयरफुल सावधान और केयरलेस असावधान, ओके, दिस इज योर मैचिंग। आगे देखिए एक स्लाइड है, आपको क्वेश्चन ग्रामर का है, ग्रामर में पूछ रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अकर्ड इन द लेसन, पिछले क्लासेस में हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा होगा, आपने अगर देखा होगा ध्यान से, तो उस एडजेक्टिव्स को
आइडेंटिफाई करना है इस लेसन में कि कौन कौन से शब्द आए हुए हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन कौन से आए हैं। तो इस लेसन में आए हैं ये शब्द, देखिए जैसे ब्राइट, फ्रेश, लॉन्ग, हाई, ब्रॉड, नाइस, पीसफुल, ग्लैडनेस, चीयरफुलनेस एंड हेट। ये सब है डिस्क्राइबिंग वर्ड। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, फ्रेश ताजा, लॉन्ग लंबा, हाई ऊंचा, ब्रॉड चौड़ा, नाइस ब्यूटीफुल, पीसफुल शांतिपूर्ण, ग्लैडनेस हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस खुशी एंड हेट यानी कि ईर्ष्या या घृणा। आगे आया है नेस। दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही सिंपल भी है, आप इसे सिंपली कर भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट किस लिए, आगे के जब जैसे ही आप नेक्स्ट क्लासेस में आप जाते जाएंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको ऐसे वाले एक्सरसाइज जरूर आएंगे कि नेस ऐड कीजिए, एल वाई ऐड कीजिए और नए शब्द को फॉर्म कीजिए। तो इसमें कहा है कि दिए हुए शब्दों में एडजेक्टिव्स में नेस जोड़िए और बनाइए नाउन, ठीक है। तो ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न, और ग्लैडनेस, ग्लैड में जोड़ दिया, नेस हो गया ग्लैडनेस। हैप्पी, हैप्पी में जोड़ा गया नेस, हैप्पीनेस। लेकिन जब हैप्पी में हम नेस जोड़ेंगे तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हैप्पी की स्पेलिंग में जो वाई होता है वो रिमूव हो जाएगा और वहां हो जाएगा आई, ठीक है। हैप्पीनेस जैसे हमने ग्लैडनेस में तो जैसे जोड़ा वैसे ही रख दिया, लेकिन हैप्पीनेस में सेम नहीं होगा, हैप्पीनेस में आई हो जाएगा वाई की प्लेस में। काइंड, काइंड के साथ नेस जोड़ा, काइंडनेस। सिंपल, पोलाइट, पोलाइटनेस, ये भी उसी तरह सेम टू सेम हो जाएगा। रिच, रिच के साथ हो जाएगा रिचनेस, और गुड, गुड में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो हो जाएगा गुडनेस, ठीक है। नेस जब जुड़ने के साथ जो एडजेक्टिव होते हैं वो बदल कर हो जाते हैं नाउन, ठीक है, ये बिना नेस के कहलाते हैं एडजेक्टिव्स, और जब नेस हम इसमें ऐड करते हैं तो वो बन गए हैं नाउन। आगे देखिए, वैसा ही एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें जोड़ना है एल वाई। पिछले एक्सरसाइज में हमने जोड़ा नेस, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम जोड़ेंगे एल वाई। एड एल वाई टू द एडजेक्टिव्स टू फॉर्म एडवर्ब्स, ओके। तो अब इसमें एल वाई हम जोड़ तो देंगे, लेकिन पिछले जैसे नेस वाले में हमने कोई चेंजिंग नहीं की थी एक्सेप्ट हैप्पी, सिर्फ हैप्पी में हमने चेंजिंग की थी, बाकी किसी में चेंजिंग नहीं हुई थी, लेकिन इसमें सारे में चेंजिंग होगी। केयरफुल, ट्रुथफुल, ग्रेसफुल, इन सब में जो सिंगल एल दिख रहा है वो सब एल वाई जोड़ने के बाद डबल एल हो जाएंगे, ठीक है। एल वाई तो हमने जोड़ा ही है, ठीक। केयरफुल की स्पेलिंग केयरफुल, ठीक है, एज इट इज इसको डबल एल कर दिए जाएंगे। केयरफुल, केयरफुली यानी सावधानी से। ट्रुथफुल, ट्रुथफुली यानी सच्चाई से। ग्रेसफुल, ग्रेसफुली ईमानदारी से। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली यानी कि बहुत ही सुंदरता से। फेथफुली विश्वास से। एंड चीयरफुली यानी खुशी खुशी, बहुत ही खुशी से कोई काम, ठीक है। तो एल वाई जोड़कर आप इसे बनाएंगे, और अपनी बुक में जो आपके एक्सरसाइज दिया हुआ है इसे आप इन दोनों नेस और एल वाई एक्सरसाइज को आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे अपनी कॉपी में। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपका है नंबर ई। आपको कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, उन फ्रेजेस से आपको सेंटेंस बनाना है एज गिवन योर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में एक बना दिया है और आपको नेक्स्ट जो है सारे बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने आपके लिए यहाँ क्रिएट कर दिया है, आप लोग ध्यान से इसे सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में आप उसे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है ड्रिंक, मिल्क एंड टी। अब इन तीनों फ्रेजेस को मिला के बनाया गया है एक सेंटेंस, अपनी पसंद बतानी है। हमें कोई भी दो चीजें पसंद आती हैं, एक पसंद होता है एक नहीं पसंद होता है, ठीक है। तो आई लाइक ड्रिंकिंग मिल्क बट आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग टी। मुझे दूध पीना पसंद है लेकिन मुझे चाय पीना पसंद नहीं है, ठीक है। आप अपनी चॉइस को इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं,
जो आपको चॉइस हो, आप मिल्क की जगह जूस कर सकते हैं और टी की जगह भी कोई भी बेवरेज आप वहाँ पे रख सकते हैं। सेकेंड वन इज सिंग ओल्ड फोक सॉन्ग्स, ठीक है। इसका बनेगा आई लाइक सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स बट आई डोंट लाइक सिंगिंग फोक सॉन्ग्स। मुझे पुराने गाने पसंद हैं लेकिन मुझे फोक सॉन्ग्स यानी क्षेत्रीय, एक क्षेत्र में जो गाने गाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं फोक सॉन्ग्स मुझे पसंद नहीं है। गो जू म्यूजियम अगला फ्रेज है। इस फ्रेज को हमने बनाया है आई लाइक गोइंग जू बट आई डोंट लाइक गोइंग म्यूजियम। मुझे जू जाना पसंद है। जू मीन्स आपको पता होगा चिड़ियाघर, जहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, लोग टिकट खरीद के वहाँ देखने जाते हैं उसे। और म्यूजियम होता है एक संग्रहालय जहाँ पे पुरानी पुरानी चीजें रखी जाती हैं, बहुत ही दूसरे पुराने जमाने की चीजें, और लोग टिकट खरीदते हैं और उसे देखने के लिए जाते हैं। टेक टी कॉफी, मुझे चाय पसंद है एक्सेप्ट कॉफी। आई लाइक टेकिंग टी बट आई डोंट लाइक टेकिंग कॉफी। मुझे चाय पीना पसंद है लेकिन मुझे कॉफी पीना पसंद नहीं। नेक्स्ट वन इज रीड कॉमिक स्टोरीज। आई लाइक रीडिंग कॉमिक्स बट आई डोंट लाइक रीडिंग स्टोरीज। मुझे कॉमिक्स पढ़ना पसंद है लेकिन मुझे स्टोरीज पढ़ना पसंद नहीं है। बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा कि कॉमिक्स जो होते हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं। लाइक म्यूजिक डांसिंग। आई लाइक म्यूजिक बट आई डोंट लाइक डांसिंग। मुझे म्यूजिक पसंद है, संगीत पसंद है बट आई डोंट लाइक डांसिंग, लेकिन मुझे डांसिंग पसंद नहीं है। ओके अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क इन पेयर, ठीक है। सरिता बहुत सारी चीज़ें करना चाहती है और वो अपने टीचर से गुड गाइडलाइंस मांगती है, तो उसके टीचर क्या गाइडलाइंस देते हैं, क्या बताते हैं कि आप कैसे करोगे तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा। अब उनके टीचर बताते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। अगर आप वर्क हार्ड करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे तो आप एग्जाम में जरूर पास होंगे। सरिता को और क्या बताते हैं, इफ यू प्ले वेल अगर आप अच्छे से खेलेंगे यू विल विन द मैच, आप मैच जरूर जीतेंगे। इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, अगर आप तेज दौड़ेंगे तो आप रेस जरूर जीतेंगे। इफ यू टेक मिल्क डेली यू विल बी हेल्दी, अगर आप रोज दूध पियेंगे तो आप जरूर स्वस्थ होंगे। इफ यू लर्न वेल यू विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास टेस्ट, अगर आप अच्छे से याद करेंगे तो आप क्लास में फर्स्ट जरूर आएंगे, ठीक है। तो सरिता ने अपने टीचर से एडवाइस मांगी थी, तो सरिता के टीचर ने ये एडवाइस दिए इफ कंडीशनल, ठीक है। ये इफ वाले सेंटेंसेस हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी को सलाह देता है तो किस तरह से सलाह देंगे, आप इस तरह से अपने दोस्तों को सलाह दे सकते हैं। तो ये वाला सेंटेंस आप तैयार करिएगा कॉपी में और फिर प्रैक्टिस करेंगे घर में डेली एक दूसरे के साथ, तो आप भी किसी को इंग्लिश में सलाह दे सकते हैं। आगे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये टॉपिक है किसी भी चित्र को देखकर हम 2 लाइन 3 लाइन चित्र के बारे में लिख सके। तो आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, ओके। स्टम्प है, बर्ड है, कैट, 2 कैट्स हैं और फ्लाइंग बर्ड है। इस चित्र को देखकर आपको बताना है कि क्या हो रहा है, आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो आधी स्टोरी तो आपके बुक में दी हुई है, अब आधी स्टोरी को फिल करना है, ठीक है। तो क्या फिल करेंगे, द वर्ड फिल्ड इन रेड लेटर्स, रेड वर्ड्स, एंड द वर्ड्स अकर्ड इन योर बुक इज इन ब्लैक, ओके। जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो रेड कलर में है और बाकी ब्लैक कलर में है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कहानी को छोटी सी कहानी लिखनी है। अ बर्ड वॉज सिटिंग ऑन अ स्टम्प ऑफ अ ट्री, एक चिड़िया पेड़ के स्टम्प पर बैठी थी। स्टम्प क्या होता है, पेड़ का कटा हुआ भाग होता है, जो छोटा सा कटा हुआ भाग बच जाता है उसे स्टम्प बोलते हैं। इट वॉज सिंगिंग हैप्पीली, और बहुत ही खुशी खुशी से वो गा रही थी। सडनली 2 कैट्स केम देयर, तभी वहां अचानक 2 बिल्लियां आ जाती हैं। दे सॉ द बर्ड सिटिंग ऑन द स्टम्प, उन्होंने देखा कि चिड़िया वहां पर बैठी है, ओके। दे जम्प्ड ऑन द बर्ड, वो बर्ड पर छलांग लगाए, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है कि चिड़िया के ऊपर उन्होंने जंपिंग की है। ज्यों ही वो जंपिंग किए एंड द बर्ड फ्लू अवे, चिड़िया जो है वो वहां से उड़ गई।
है ना, चिड़िया को पकड़ना इतना तो आसान है नहीं। तो बर्ड्स ने सोचा, दे कैन कैच द बर्ड, दे जम्प ऑन द बर्ड एंड द बर्ड देन फ्लू अवे। ओके, तो आपके बुक में बहुत सारे पिक्चर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे चित्र होंगे, आपको जो भी चित्र पसंद आएगा ऐसी ही 4 या 5 लाइंस की आप स्टोरी जरूर लिखिएगा और उसे देखिएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे अपनी कहानी को। ठीक है, नाउ कमिंग टू अवर लास्ट टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है एक्टिविटी आइडेंटिफाई द पर्सन। यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है और उस जानकारी को आपको इस वाले स्लाइड में आपको भरना है, ठीक है। तो आपके पास ये जानकारी है, मीनू इज 10 ईयर्स ओल्ड, सी इज नॉटी एंड लव्स टू प्ले एट द सी शोर। 10 साल की बच्ची है मीनू और उसे समुद्र के किनारे खेलना बहुत पसंद है। प्रताप इज 22 ईयर्स ओल्ड, प्रताप 22 साल का है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। मिस्टर जोसेफ इज अ रिटायर्ड टीचर, सी इज मिसेस जोसेफ इज अ रिटायर्ड टीचर, सी इज प्लानिंग टू गेट ऑल हर पोएम्स पब्लिश्ड। वो चाहती हैं कि उनके सारे जो पोएम्स हैं वो पब्लिश हों, छपें। निक्की थिंक्स दैट हर ग्रैंड मदर मेक्स द बेस्ट स्वीट्स इन द वर्ल्ड। निक्की सोचती है कि उसकी दादी जो है वो सबसे अच्छी मिठाइयाँ बनाती हैं। विनोद लव्स टू वियर क्लोथ्स लाइक हीरोज इन द फिल्म, और विनोद को कपड़े हीरो जैसे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। आसिफ इज ऑलवेज रेडी टू मेक पीपल लॉफ, और आसिफ जो है वो लोगों को हंसाना बहुत पसंद करता है। अरुणा वॉन्ट्स टू लर्न मोर अबाउट हिंदुस्तानी म्यूजिक, अरुणा जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में सुनना चाहती है। बीनू इज नाउ द फास्टेस्ट बॉलर इन हिज स्कूल, और जो बीनू है वो अपने स्कूल का फास्टेस्ट बॉलर है, ठीक है। तो अब इस बॉक्स में आपको बोला है कि बताइए कि किन लोगों ने क्या किया है। तो वॉचिंग मूवी इज फॉर विनोद, क्योंकि विनोद को मूवी देखना बहुत पसंद है। रीडिंग बुक्स इज फॉर प्रताप, प्रताप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें किताबें पढ़ना पसंद है। ग्रैंड मदर को निटिंग, आसिफ को रीडिंग जोक्स उसे चुटकुले पढ़ना पसंद है, कलेक्टिंग शेल्स, और मीनू को जो है वो समुद्र का किनारा पसंद है तो वो सेल्स कलेक्ट करना पसंद करती है। अरुणा लिस्टिंग टू क्लासिकल म्यूजिक, अरुणा को संगीत सुनना बहुत पसंद है। राइटिंग पोइट्री मिसेस जोसेफ, जो कि चाहती है कि उनके सारे जो पोएम्स हैं वो छपे, और बीनू, बीनू जो कि फास्टेस्ट बॉलर है उसको मैच करेंगे प्लेइंग क्रिकेट के साथ। ओके, सो दिस इज ऑल योर टूडेज क्लास एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू योर होम असेसमेंट। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन सभी शब्दों के पहले आपको लगाना है डू यू लाइक, ठीक है। डू यू लाइक इस बॉक्स में जितने शब्द दिए हुए हैं आपकी बुक में, इसमें डू यू लाइक लगाइएगा, ये एक सेंटेंस प्रिपेयर हो जाएगा और उसका आपका सेकेंड पार्टनर जवाब देगा येस या नो में। डू यू लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, क्या आपको चाय दूध पीना पसंद है, तो आपका दोस्त बोलेगा येस आई डू, अगर वो पसंद करता है तो येस आई डू, अगर नहीं पसंद करता है तो नो आई डोंट। तो इन सारे सेंटेंसेस फ्रेजेस के साथ आप डू यू लाइक जोड़ेंगे और नए सेंटेंस बनाएंगे। डू यू लाइक गोइंग ऑन पिकनिक, डू यू लाइक ईटिंग स्वीट्स, एंड ऐसे ही ये सारे। असेसमेंट नंबर टू, ये भी वैसे ही है, सब में लगाना है आपको वुड यू, क्या लगाना है, पिछले वाले में लगाना था और डू यू लाइक, और इसमें लगाना है वुड यू। वुड का यूज होता है किसी भी बहुत ही किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आएंगे। जब हम किसी रेस्टोरेंट में किसी होटल में जाते हैं तो जो वेटर पूछते हैं ना कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, सर आप क्या लेना चाहेंगे, तो वुड वो क्यों यूज करते हैं। वुड का यूज होता है किसी भी रिक्वेस्ट के लिए, कोई भी बहुत ही सम्मान प्रकट करने के लिए, ठीक है। तो इन सारे सेंटेंसेस के साथ फ्रेजेस के साथ आप वुड यू लगाएंगे और नए सेंटेंस क्रिएट करेंगे। वुड यू कम इन टाइम, वुड यू मेक सम टी, और आपका जो दोस्त है वो बोलेगा येस ऑफ कोर्स, अगर वो हाँ बोलना चाहता है तो येस ऑफ कोर्स बोलेगा, अगर वो नहीं बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे सॉरी आई कांट। ओके, दिस वॉज ऑल योर टॉपिक फॉर टूडे, इंजॉय योर डे, एंड दिस इज टॉम स्वेयर who made his day very adventurous and created the fence for 3 times 14, ठीक है।
तो आपको टॉम सॉयर की कहानी बहुत पसंद आई होगी। उसने 3 बार कोटिंग करवा दी, एप्पल भी इंजॉय किया। आप लोग जरूर एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर की कहानी सर्च करेंगे और इंजॉय करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।